और हमारे थारू समाज में भी ये परिवर्तन हो रहा है। कुछ पुरानी चीजें छूट रही हैं और कुछ नई चीजें अपना रहे हैं। थारू महोत्सव आयोजित करने का मंतव्य ही यही है कि महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के रहने वाले जो थारू जनजाति के लोग हैं, उनको इस महोत्सव के द्वारा एक मंच पे इकट्ठा किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में ये काफ़ी पिछड़ गए, क्योंकि इनके लिए बाहर जाना बहुत ही मुश्किल था अपने वतन को। छोड़ है कि थारू जनजाति से रिलेटेड जो कला है, क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट मींस लकड़ी के काम हो, मूस के काम हो, किसी और भी तरह के काम हो, वो उनको बढ़ावा दिया जाए। में एक ये भी है कि जो थारू जनजाति की क्राफ्ट है, जो कला है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इनको बनाना और इनको बेचना, इनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना भी ये संस्थान का उद्देश्य। नृत्य को, लोक कला को और थारू जनजाति की कला को और संगीत और नृत्य को, और इसे हम प्रदेश स्तर, जिले स्तर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले